विगत वर्ष मानक भली ए वर्ष आयोजित होची शरत संध्या। प्रसिद्ध कवि और गीतिकार शरत कुमार दास सृजन संभार को नहीं प्रस्तुत ए अभिनव उत्सव आसंता 23 तारीख संध्या स्थानीय रवींद्र मंडप अनुष्ठित होगा। आयोजक अनुष्ठान ओडिया मीडिया निर्देशक तथा शुभांशु पंडा एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। स्थानीय ब्यांडिस टावर होटेल रे गणमाध्यम प्रतिनिधि सूचना दे श्रीयुक्त पंडा कहते जे शरत उत्सव 2022 कविता कथा संगीत नृत्य और चित्रर एक विरल समय। उत्सव में राज्यर अग्रणी प्रकाशन संस्था पेन इन बल द्वारा प्रकाशित कवि श्रीयुक्त दास नवम कविता संकलन और संगीत आलबम अभिसार सह स्मृतिकथा संकलन कहानी सरीना उन्मोचित हो। यह अवसर में लेखक और वास्त्री कृषभ केशव षडंगी को प्रथम शरत सम्मान प्रदान श्रीयुक्त पंडा कहते। उत्सव संयोजिका तथा समाजसेवी सुचिस्मिता पृष्टि अतिथि बाबद सूचना दे कहते शरत संध्या 2022 केवल मात्र एक साहित्य उत्सव नुहे, यह मनोरंजन और बौद्धिकतार एक जुगलबंदी। ए उत्सव में गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास, भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास, भुवनेश्वर प्रधान आयकर आयुक्त तथा लेखक धीरेन्द्र कुमार मिश्र, राज्य सरकार अतिरिक्त शासन सचिव तथा लेखक मधुसूदन पाढ़ी, प्रसिद्ध कथाकार चिंतक और शिशु साहित्यिक दास बेनहुर, प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेता और समाजसेवी सब्यसाची मिश्र प्रमुख अतिथि भाव जोगदेवे श्रीमती पुष्टि कहते। विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता अर्जन करशेष मंच में संवर्धना दिजा सूचना देते। एप्रिल 23 तारीख संध्यारे रवींद्र मंडप में होगाक शरत संध्यारे मंच परिचालना करेंगे कवि मृत्युंजय रथ। उत्सव में बहुसंख्यार जोगदेवा लगी ओडिया मीडिया निर्देशक श्रीयुक्त पंडा अनुरोध कर शनिवार संध्या 6 रवींद्र मंडप ठारे शरत संध्या उत्सव आयोजन करा करा संगीत एवं साहित्यर गोटे ककटेल गोटे जुगलबंध कह अत्युक्ति होगा नहीं। आपण मान समस्त अनुरोध आपण मैंने बहुसंख्यार योगदान करूँ कहीं आम ओडार साहित्य संस्कृति परंपरा को आगक नापी गोटे अभियान आरंभ कर विशिष्ट संगीतज्ञ प्रेमानंद दसटी जो कवितार जो शरत दास जो विशिष्ट कवि लिखी कविता दसटी गीत को प्रेमानंद संगीत दे विशिष्ट कंठशिल्पी मैंने मानने कंठदान करदिन से प्रेजेन्ट रही कंठदान करेंगे। मैंने ये केवल साहित्य सभा नुहे यहाँ गोटे गोटे डिफरेन्ट टेक्सचर गोटे सभा जो थे आम रैम शो करूँ परंपरा आमर जो हस्तंत शिल्पी मैंने अच्छे से मानकर जो कोविड समय से माने जो विभिन्न समस्या सम्मुखीन होते से आम इनवल्व करूँ गोटे रैम शो करूँ गोटे एकक अभिनय हम ओडिशा नृत्य अच्छी तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सांगे आमर विशेष आमर गोटे आभिमुख्य है आम ओडार परंपरा साहित्य संस्कृति को आगे ना तो यही अभियान में आपण मानक अनुरोध आप सामिल हूँ। धन्यवाद। 23 तारीख शरत संध्या आपण मान समस्त अनुरोध से आसबे आमर से दिन जो अभिसार गोटे प्रोजेक्ट म्यूजिक प्रोजेक्ट रिलीज हो जोटा को गाई ओडिशार आगधाड़ी सिंगर माने ह्यूमान सागर अनन्या श्रीतानंद दीप्तिरेखा आशुतोष सविशेष लोपामुद्रा सब नमस्कार मु शुभ्रांशु पंडा निर्देशक ओडिया मीडिया ये हूँ नवम यही श्रृंखल जो शरत संध्या हो श्रृंखल यह हूँ नवम उत्सव आ पूर्वर कवि शरत कुमार दास 8 कविता संकलन यही उत्सव ही प्रकाशित हो सारी आसंता एप्रिल 23 तारीख में जो शरत संध्या उत्सव अनुष्ठित हो केवल एक साहित्य उत्सव नुहे साहित्य संगीत कला नृत्य एवं सृजन विभिन्न विभाग को नहीं ये गोटे ककटेल गोटे सम्मिश्रण एटी केवल दर्शक मैंने बौद्धिकता सांग को मनोरंजन खोराक पाइबे। एप्रिल 23 रे शरत कुमार दास नवम कविता संकलन प्रथम समस्त मो तरफ नमस्कार। अनेक गीत अनेक मूवी अनेक यूट्यूब सॉन्ग आम गाऊ किंतु ये जो गोटे प्रोजेक्ट शरत सर शरत कुमार दास बहुत सुंदर कविता ता सहित प्रेमानंद सर म्यूजिक कंपोजिशन ये जुगलबंदीटा इत्ते लोक मानंको पाखरे पहुँची जेबेठू आम जितेटा प्रोजेक्ट सबू सिंगर कम कलु यार सब बड़े गोटे नियार अनुभूति रही स्पेशल आम ओडिशारे लोक मानंको पाखरे भल भल गीत पहुँचेबार इटा गोटे सुंदर प्रयास जो कि मु बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए शरत सर को प्रेमानंद सर को इत्ते सुंदर प्रोजेक्ट मत सुजोग दे
आउ यार सबू बहुत भल अरेंजमेंट करते सूचीअपा सूचीअपा को भी बहुत थैंक यू देवी जितकि भी प्रोजेक्ट कले मु प्रायत पांचटा छटा प्रोजेक्ट रे गीत गाइले तो मुझे बहुत खुशी अच्छे ये नुआ प्रोजेक्ट को लेकिन भी भुवनेश्वर अक्षय दास रिपोर्ट ओडिशा वॉइस 24।